हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ ऑफ कुल्लू। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। थोड़ा सा आपको आवाज़ में फ़र्क आएगा, तो बहुत दिनों से यहाँ पर कुल्लू में ना बारिश चली हुई है, तो उस करके थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया है, तो मेरे नाक में भी थोड़ा जुकाम हो गया है, तो मौसम की वजह से मेरी तबीयत में भी बदलाव आ गया है। सो गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं घर में आई हूँ। काफ़ी दिनों तक थोड़ा सा काम था फाइनल टीपी का, तो अभी फाइनल टीपी हो गई है, तो अभी मुझे 2-3 दिन घर में हो गई है। आज मेरा तीसरा दिन है। तो रोज़ हम खेत को जाते हैं, बारिश भी आती है तब भी हम खेत को जाते हैं, क्योंकि खेत का काम बहुत सारा है करने को, खासकर मटर तोड़ने को बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी, छोटा सा ब्लॉग रहेगा ये, क्योंकि पहले मेरा ज़रा भी मन नहीं था, बट मैंने कल अब फिर से जाना है रूम को, तो मैंने सोचा घर में एक ब्लॉग बना लेते हैं, तो मैंने सोचा बना ही लेते हैं ब्लॉग। सो अभी मैं बना ही रही हूँ, आपको दिखाते हैं ज़रा उनको। मिली है सीमा से काफी दिनों बाद। कैसी है सीमा? बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया। तो अभी हम फोटो खींच रहे थे, उसके लिए बाल्टी उठाई थी, अदरवाइज ये नीचे ही रहती है। सीमा इज करेंग काम, जल्दी जल्दी करेंग, फास्ट प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा मटर है। सो गाइज, नेचर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ पर धूप आ गई है आज सुबह से, अदरवाइज़ 3-4-5 दिन का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, काफ़ी दिनों तक बारिश बहुत ही भयंकर लगी हुई थी, तो आज बहुत राहत मिली है हमें भी, नहीं तो बारिश रोज़ रोज़ आकर के ना हम भी पक गए थे, खेत में काम करना रोज़ बिक जाना, तो आज बहुत अच्छा मौसम है। सो शी इज़ सीमा एंड शी इज़ माई मॉम, जो कि काम कर रहे हैं, दोनों काम पे लगे हुए हैं, तो मैं भी काम कर लेती हूँ थोड़ा सा। पहले इनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ ज़रा, सीमा को तो वैसे करवा दिया है। तो ये रही मेरी मम्मी। मम्मी, अम्मा जी। तो ये रही मेरी अम्मा, वैसे अम्मा ही बोलते हैं अपनी मम्मी को, बचपन से ही हमें बोलना ऐसे सिखाया था कि हम अम्मा बोले, तो हम अम्मा ही बोलते हैं। तो मेरी अम्मा जी कर रही है काम, यहाँ देखिए, बहुत ही मेहनती मेहनती इंसान। तो जी, अभी हम है इस खेत में, आपको ऊपर रोड दिख रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ को आए हैं। सो ये वाला जो खेत है, आज हम इस खेत को आए हैं। पहले वाला जो खेत था, वहाँ पर हमने 2 दिन लगाए मटर तोड़ने में, बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर, क्योंकि वो थोड़े घने थे, घने तो ये भी है, बट यहाँ पर थोड़ा छोटा खेत है, वहाँ पर थोड़ा बड़ा था। तो सीमा, हम 2 दिन पक गए हैं ना मटर तोड़ तोड़ के, आज हमारा तीसरा दिन है, बहुत ज़्यादा थक गए हम। कितने दिन हो गए क्या तो ये तो खेत में ही रोज़ ही होती, खेत में ये तो ज़्यादा ही पक गई है, रोज़ घास लाना, रोज़ क्या क्या काम भाई। और मटर के रेट के तो बुरे हाल है, 19-20 रुपए तक, एक दिन तो हमारे 12 रुपए गए हैं, एक दिन 14, तो बहुत ही कम, 12 एक दिन नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसे तोड़ने पड़ते हैं एक एक करके, जो एक एक इनके जो जड़े हैं वो एक एक करके उठानी पड़ती है, फिर ऐसे देखो ऐसे इकट्ठा करके, अदरवाइज़ पहले जो खेत था ना, अभी देखो ऐसे इकट्ठा किया है ना, तो पहले ऐसा था घना जैसा, तो अभी इकट्ठा करके तोड़ के ऐसा रख दिया है। तो यहाँ पर हम बाल्टी में भर रहे हैं, परे मम्मी जी भी बाल्टी में भर रहे हैं, और परे किल्टे में, ये किल्टा हो गया फुल, ये हो गई आधा जैसा, बाकी देखते हैं। सो ये छोटी सी रूटीन मैंने आप सभी से शेयर करनी थी, मैंने सोचा शेयर करते हैं, कि हम इतना काम भी करते हैं, ऐसा मत सोचना कि हम बिल्ली बैठे होते हैं, कि घर में तो बस खेत ही जाना होता है, जब मैं घर आती हूँ ना, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक भी टाइम ऐसा हो कि घर बैठे, जब बारिश होगी तब जैसे बैठते, अदरवाइज़ तो रोज़ खेत रोज़ खेत, मतलब जो घर में खेत में काम करेगा ना, उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा क्या है ना, कि रोज़ खेत खेत खेत। थोड़ा सा मैं गाँव के लोगों को क्या देना चाहूँगी, कि चलो काम अपनी जगह है, बट थोड़ा पूरा घूमना भी चाहिए, ताकि माइंड फ्रेश रहे, अदरवाइज़ रोज़ काम करेंगे तो ज़िंदगी में अगर काम ही काम करेंगे तो क्या होगा भाई, तो इसलिए घूमना भी ज़रूरी है। मैं घर वालों को बोलती हूँ कि सीमा भी घर में होती है, तो इसको इसको भेज दे भाई कभी घूमने के लिए, जब इसने कुल्लू जाना होता है, तो वैसा वैसा मैं थोड़ा क्या बोलती हूँ, अदरवाइज़ चलो मेरी ज़िंदगी ठीक है, मैं कभी जाती रहती हूँ रूम, कभी यहाँ, तो काम कर लेती हूँ, मेरे को इतना कष्ट नहीं होता है, बट इनको देखो रोज़ रोज़ काम करना होता है घर में। सो मेरी गप्पे तो ख़त्म नहीं होगी, आज ये छोटा सा ब्लॉग रहेगा आप सभी के लिए, तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद, बाय गाइज़।
सो गाइज अभी हमने कर दिए है ख़त्म, जितने हमने उठाने थे उतने हमने कर लिए है, बाकी थोड़ा सा खेत बच गया है, आधा से थोड़ा ज़्यादा या कम पता नहीं कितना है। सो अभी हमारे को हम आए थे 3:30 बजे, अभी बज चुके हैं 7, तो अभी जाएंगे हम घर। अभी 7 बजे के बाद कभी भी अंधेरा हो सकता है, मतलब 7:15-20 तक अंधेरा हो जाता है आजकल, तो अभी जाएंगे घर। अभी हम बोझ वगैरह उठा लेंगे, फिर मिलते हैं आप सभी से अब। तो सीमा बाय, अब पता नहीं सीमा कब मेरे ब्लॉग में आएगी। सो सीमा से मिली लास्ट टाइम, सीमा कैसा लगा खेत में? कैसे लगा? थक गई सच में, पक गए अभी मटर को तोड़ते तोड़ते, नहीं इतने दिनों से मटर तोड़ तोड़ के ना ऐसे पकना है इस काम से, मतलब है तो इजी काम ना, नीचे बैठ के आराम से करना, बट ऐसे पकने का काम है कि कब खत्म होंगे, तो वैसा ही है। चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। और जी मेरी अम्मा जी को नहीं चैन ही है, ये होते हैं लास्ट तक काम करने, ये सोचते और बैठो और बैठो, हम टाइम से फ्री हो जाते ना तब भी इनको चाहिए और काम करो, ये रजते ही नहीं काम कर करके बस। तो अभी हमने एक ये बोरी भर दी है, एक ये वाली बोरी भर दी है, ये अभी आधा जैसा है क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा नहीं उठाना है, तो पर एक किल्टा है ये मेरा है, बाकी ये भी ज़्यादा भारी हो गया, देखते अभी आधा करेंगे कुछ। तो अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया है, बाकी यहाँ वाला ये बचता है, यहाँ से लेकर परे तक बच जाता है। गिर गई ऐसे पीते है पानी, देखिए गौर से ये भर दिया है। सो गाइज ब्लॉग को भी हम अभी एंड कर लेते हैं, मुझे लगता है ये छोटा सा ब्लॉग रखेंगे, तो अभी हम ब्लॉग को कर लेते हैं एंड। और आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ वीडियो को शेयर तो ज़रूर करें क्योंकि व्यूज़ थोड़े कम जा रहे हैं, वैसे मुझे उस चीज़ से फ़र्क तो नहीं पड़ता है, तब भी थोड़ा होता है ना कि हम इतनी मेहनत से ब्लॉग बना रहे, तो आप सभी उसको शेयर करें, लाइक करें, मतलब देखें ज़रूर, शेयर करना तो छोड़ो, जितने मेरे सब्सक्राइबर एटलीस्ट वो तो देख लें मेरी वीडियो को, और लाइक करें, कमेंट तो ज़रूर करें। सो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ बी हेल्दी एंड बाय बाय गाइस। नेक्स्ट जब खेत का ब्लॉग आएगा तो आपको ज़रूर मिलाएंगे। सीमा से बाय बाय करे, बाय करे, बाय। और बारी कर, और बारी चलो घर चलो चल।